हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस MI Band 4 से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि बहुत ही मज़ेदार इसके हिडन फीचर्स हैं, और आप इस फीचर्स को यूज़ करके आप जो है डेली लाइफ में जो है अपना काम और भी आसान बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी और इंटरेस्टिंग दी हुई है। तो सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारा नोटिफिकेशन क्रिएटर, जो कि नोटिफिकेशन मैसेज इसमें आता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा MI Fit ऐप में। उसके बाद हमको यहाँ पे दिख रहा है ऐप अलर्ट्स करके, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां इस ऐप अलर्ट को ऑन कर देना है। तो यहां जब इसको ऑन करेंगे तो यहां आपको गॉट इट बोलेगा, तो यहां आपको गॉट इट कर देना है। तो यहां गॉट इट करने के बाद यहां आपको मैनेज ऐप्स पे जाना है, नीचे आपको मैनेज ऐप्स देखने को मिलता है। उसके बाद एक लिस्ट खुलेगा जिसमें आपको मी फिट ऐप का जो है इसको भी ओके कर देना है, और नीचे आपको एक नोटिफिकेशन क्रिएटर करके आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नोटिफिकेशन क्रिएटर आप देख सकते हैं, इसको भी ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद आप बैक जाएंगे और सीधे अब आपको ओपन करना है नोटिफिकेशन क्रिएटर वाला जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ये टाइप करके किया और रखा हुआ है, जो है आपका ऋषभ सुखानी लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, तो ये आपका लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं नोटिफाई मी पे क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकते हैं यहां आपको नोटिफाई हो जाता है मैसेज, पूरा ही सेम मैसेज आपको जो आप यहां लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऋषभ सुखानी, बिल्कुल ही सेम तरीके से बिल्कुल यहां पे भी डिस्प्ले हो जाता है। आप जितना भी बड़ा मैसेज लिखेंगे पूरा ही आपको डिस्प्ले होगा यहां पे। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं चीटिंग करने के लिए, बट ये एक तरीका है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कोई भी जो आंसर लिख सकते हैं इसमें, और एग्जाम में जाने से पहले आप नोटिफाई में क्लिक कर देंगे तो यहां आपको मैसेज आ जाता है, फिर आप कोई भी देख लेता है तो इसको आप बैक कर सकते हैं। और फिर से अगर आपको उसी चीज पे जाना है तो आप यहां मोर, यहां आपको नोटिफिकेशन में जाना होगा। नोटिफिकेशन में जाके जैसे ही आप देखेंगे यहां आपको ऑलरेडी डिस्प्ले दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर सकते हैं, और जो है किसी भी तरीके से आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, और भी अपने डेली लाइफ में कोई भी तरीके का मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। अब जो अगला ट्रिक है वो है हमारा MI Band को लॉक के रिलेटेड है, जो इस MI Band को आप लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट लॉक होता है, इसमें आप यहां पे जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, मोर पे जाएंगे, और इसको स्क्रॉल करते करते जब आप नीचे सेटिंग्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये दिखेगा ये लॉक स्क्रीन वाला, तो आप लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, यहां आप ऑन कर सकते हैं। तो इस लॉक स्क्रीन में आपको देखने को मिलता है जो स्वाइप बटन है, यहां पे आपको जो है बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ आपको एक स्वाइप बटन आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लॉक वाला सिंबल बन गया। तो ये लॉक वाला सिंबल जैसे बन जाता है तो अब आपको एक स्वाइप करना है, तब जाके अनलॉक हो गई। आप देख सकते हैं अभी मैंने लॉक अनलॉक किया था, तो उस तरीके से आप इसको स्वाइप करके अनलॉक करना है। बट इसको आप जो है पासवर्ड से भी लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मी फिट ऐप में जाना पड़ेगा। मी फिट ऐप में जाके आपको यहाँ पे एक ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे लैब ऑप्शन करके आ रहा होगा, ये देख सकते हैं, ये आपको एक लैब ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको ओके करना है और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। तो ये आप पासवर्ड सेट नहीं हुआ, इसको आप सेट कर लेते हैं। तो इसमें आप जो है 1, 2, 3, 4 से लेकर जो है आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार बाइट वर्ल्ड 1, 2, 3, 4 टाइप कर देता हूँ और मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो ये जो है सेव करना होगा, तो ये मैं सेव कर दिया हूँ। और अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे ही जो है इसको अनलॉक करूंगा तो ये जो है पासवर्ड मांगेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये अब ये पासवर्ड मांग रहा है कि आप इसमें पासवर्ड डालिए। तो जैसे अगर आपका MI Band वगैरह खो जाता है या MI Band 4 कहीं कोई चुरा लेता है तो वो फिर किसी के काम में नहीं आना, क्योंकि जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा MI Band जो है अनलॉक नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और MI Band 4 को आप अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चुराए नहीं या फिर कोई जो है कहीं से गायब आपका ना हो पाए। अब जो अगली ट्रिक है वो है MI Band फेसेस को लेकर। तो बाई डिफॉल्ट जो है मी फिट ऐप में जो है हमें बहुत ही कम फेसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं डिस्प्ले सेटिंग्स में जाऊंगा, यहाँ मैं बैंड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ जैसे ही मैं बैंड डिस्प्ले में जाता हूँ जो सिंक कर रहा है ऑलरेडी, तो जैसे ही मैं बैंड डिस्प्ले में जाऊंगा तो यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट जो है नियर अबाउट 50-60 फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। बट आप जो है और भी थाउजेंड्स ऑफ फेसेस जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक ऐप आता है, तो ऐप आपको MI Band 4 का फेसेस के नाम से आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप जो है अपने मनपसंद का ऐप जो भी चाहें वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स जो ऐप फेसेस हैं, जो वॉच फेसेस हैं, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये धीरे धीरे रिफ्रेश हो रहा है तो आपको वॉच फेसेस और भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही तरह तरह के जो है वॉच फेसेस दिए हुए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको कोई भी एक वॉच फेसेस सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं कोई एक वॉच फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप ये वाला वॉच फेसेस मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसको करना है इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको इस वॉच फेस पे क्लिक करना होगा मी फिट ऐप में, उसके बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहीं से आपको ओपन मी फिट ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं ये आपका वही फेसेस है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सिंक्स लेगा, सो सिंक करेगा। जैसे ही आपको ये आप देख रहे हैं सिंकिंग ऑलरेडी चालू हो गया है, और सिंक होने के बाद देख सकते हैं आप जो है वॉच फेसेस जो है मेरा सेट हो जाएगा, जो मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया था।
तो बहुत सारे वॉच फेसेस आते हैं उसमें सिलेक्टेड। ये आप देख सकते हैं ये वॉच फेस जो है सिलेक्ट हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वॉच फेस। इस तरीके के बहुत सारे वॉच फेसेस इसमें आते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। इसमें पबजी वगैरह का भी आता है, कैटेगरी आप चॉइस कर सकते हैं, गेमिंग वगैरह का भी ले सकते हैं। तो ये आप, मैंने गेम का सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे गेमिंग का भी आ जाएगा। पबजी इस समय चल रहा है, पबजी का भी हमें देखने को मिल जाएगा, मारियो का दिया हुआ है। अब जो अगली ट्रिक है वो है हमारी ऐप्स को लेकर, कि आप जो है कोई भी ऐप जो इसमें मिरर कर सकते हैं या आप इसमें व्यू देख सकते हैं। एक आपको जो है उस ऐप का व्यू हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नोटिफाई एंड फिटनेस करके आपको ये ऐप देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको जो एम आई बैंड का जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, तो उसको पेयर कर लेना है फटाफट से। और जो भी इसमें परमिशन आपको मांग रहा होगा, परमिशन आपको सब ओके कर देना है, ग्रैंड कर देना है, कंप्लीट कर देना है सब कुछ। तो ये आप कंप्लीट करने के बाद जो है एक्सेस ओके कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आपको नोटिफाई मी में, ये आपको जो है नोटिफाई मी फिटनेस फॉर एमआई बैंड, ये भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये आप ओके हो चुका है। अब जो है हमें जाना पड़ेगा, ये नंबर वन जो यहाँ मैसेज वाला पॉइंट दिया हुआ है, ये जो मैसेज वाला आइकन दिया हुआ है उस पर जाना पड़ेगा। उस पर जाने के बाद हमें जो है मैप्स पे क्लिक करना है। मैप्स पे जाके आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद जो है ये आप ओके कर देंगे। यहाँ आपको एक पिक्चर की तरफ ये एक पिक्चर वाला आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको एक फुल स्क्रीन मैप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये आप देख सकते हैं, इसको ओके कर देंगे। और उसके बाद जो है इस पिक्चर वाले आइकन को भी जो है इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद जो है यहाँ आपको वॉच फेसेस, ये तो इस तरीके के आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। इसको ओके करने के बाद जो है यहाँ जब आप देखेंगे यहाँ अनलॉक प्रो फीचर, क्योंकि ये सारे जो भी है ये है प्रो फीचर, तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, 250 रुपये का नियर अबाउट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तब जो है वो प्रो फीचर जो है अनलॉक हो जाएगा। और उसमें आप जो है बहुत सारे ऐप, जैसे आप देख सकते हैं फेसबुक, जीमेल, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इन सब के ऐप के एक लुक आप देख सकते हैं इसमें। तो उस तरीके से आप जो है यूज कर सकते हैं। और क्या करना होगा, मैप देखने के लिए, मैप देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैप वाले ऐप पे। और मैप वाले ऐप पे जब आप कोई भी अल्टरनेट लोकेशन चॉइस करेंगे, तो जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहां आपको एक नोटिफिकेशन आइकन आ जाएगा कि आप जो है अपना एमआई बैंड में फेस जो है मिरर करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो जो है उसके बाद वो मिरर हो जाएगा। तो अगली ट्रिक जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ऐप के मदद से आप जो है अपने पिक्चर जो है मोबाइल की जो एमआई बैंड से जो है यूज करके क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओपन कैमरा करके। तो उसके लिए आपको जो है ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और एक बैंड सेल्फी करके आपको एक एप्लीकेशन होगा। तो दो एप्लीकेशन है, पहले आपको बैंड सेल्फी ऐप जो है डाउनलोड करना होगा। यहां आप देख सकते हैं ये एक मैक एड्रेस लिखा हुआ है, तो इस मैक एड्रेस को आपको पूरा ही रिमूव कर देना है, और आपको जो है यहाँ पे एम आई बैंड का मैक एड्रेस डालना है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैक एड्रेस मिलेगा कहाँ से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाना है मोर पे, और मोर पे जाके जो है यहाँ आपको सेटिंग ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग ऑप्शन पे जाके आपको जो है रिबूट और ये अबाउट सेक्शन पे जाना है। तो अबाउट सेक्शन पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक मैक एड्रेस देखने को मिल जाता है, और यही ब्लूटूथ एड्रेस होता है आपका मैक एड्रेस। तो यही सेम एड्रेस जो है आपको डालना है इसमें मैक की जगह पे। तो यहाँ आप, मैं एंटर कर दे रहा हूँ फटाफट से। तो ये मैक एड्रेस मैंने पूरा यहाँ पे कॉपी कर दिया है, और यहाँ आपको वाइब्रेस में बटन इस प्रेस पे, इस पे ओके कर देना है और डन कर देना है। तो ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो कनेक्टिंग हो रहा है अभी फटाफट से। ये आप देख सकते हैं कैमरे वाला यहाँ आइकन आपको देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है अपने ओपन कैमरा वाले ऐप पे फटाफट से, उसको ओके कर लेना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एम आई बैंड पे करना क्या है, एक ये स्लाइड करना है, और ये आप देख सकते हैं फोटो क्लिक हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बस मैं एक स्लाइड करूंगा और जो है फोटो क्लिक हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आप यूज कर सकते हैं, अपने ऐप में फोटो क्लिक कर सकते हैं, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं, और कुछ भी आप जो है यूज कर सकते हैं इसको अपने फोन को जो है क्लिक करने के लिए, फोटोज वगैरह। और ये था कुछ इंटरेस्टिंग। और आखिरी चीज ये कि आप जो है एम आई बैंड 3 का जो स्ट्रैप है वो आप एम आई बैंड 4 में भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों का स्ट्रैप जो है सेम है, क्योंकि जो एम आई बैंड का शेप है वो पूरा ही सेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, वीडियो को लाइक दबाई दीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली सभी लोग के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, फ्रेंड लोग के साथ तो खास कर शेयर कर दीजिएगा कि इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, तो लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है वीडियो के नीचे आपको जो कमेंट और डाउट्स होगा वो आप नीचे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।